बहुत सारे पेरेंट्स का ये क्वेश्चन रहता है, क्या एक बार सेंसरी इश्यूज सॉल्व हो जाते हैं, क्या वो दोबारे आ सकते हैं? तो आज हम इसी पे बात करेंगे। हाय, मेरा नाम ऋचा जैन है। वेलकम बैक टू आवर चैनल किड्स डेवलपमेंटल एक्टिविटीज। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कृष्णव इज डूइंग रियली ग्रेट, माय सन कृष्णव इज डूइंग रियली ग्रेट। एंड उसके ऑलमोस्ट अगर मैं बात करूँ, सेंसरी इश्यूज काफी कंट्रोल्ड हैं। बट अब एक मेन फैक्टर पे हम लोग बात करेंगे। अब सेंसरी इश्यूज का ऑडिटरी था बहुत ज्यादा, लाइक मिक्सर ग्राइंडर की आवाज होती थी तो यूज टू क्लोज हिज ईयर्स, और फिर वो एकदम अनकंफर्टेबल और चिल्लाना उसका, जब मैंने इनिशियली उसके साथ स्टार्ट किया था ऐसा था। बट नाउ वे इज़ वेरी कंफर्टेबल, उसके ऑडिटरी इश्यूज जो हैं वो डाउन हैं, और बहुत टाइम से मैंने उसको ऐसा करते हुए नहीं देखा है। बट सिंस लास्ट 3 डेज मेरे को उसको ना ऑडिटरी इश्यूज वापस आ गए हैं। रीजन बिंग, अब उसके लिए आपको रीजन आइडेंटिफाई, यस, अगर सेंसरी इश्यूज कंट्रोल्ड हैं तो ऐसा नहीं है कि वो चले गए हैं, इट्स देयर, क्योंकि वो उनका ब्रेन स्ट्रक्चर ऐसा है कि वो न्यूरल कनेक्शंस ऐसे नहीं है। एंड मतलब वो कहते हैं ना, ब्रेन की कनेक्शंस इस टाइप से हैं कि इट इज देयर, लेकिन हमने उनको कॉप अप करना सिखा दिया है एंड दे आर अंडर कंट्रोल। अब कोई भी स्ट्रेसर आ जाएगा, आउटर स्ट्रेसर आएगा, या ज़्यादा सेंसरी इश्यूज हो जाएंगे, या हाइपर एक्टिविटी बढ़ जाएगी, तो एनी सेंसरी इश्यू कैन कम बैक, आ सकता है। बट वो थोड़े दिन के लिए होता है, देन अगेन वो डाउन हो जाता है। सेम हैपेंड विद कृष्ण, बिकॉज ही इज सो अटैच्ड अपने पापा से। अब उसके पापा इज आउट ऑफ स्टेशन फॉर लास्ट 3 डेज एंड दैट इज एंग्जाइटी सिचुएशन फॉर हिम, क्योंकि अब उसको समझ में आ गई है। पहले उसके फादर जाते थे 2 या 3 दिन के लिए, तो वो इतना बॉदर नहीं करता था, ही वॉज बिजी इन हिज ओन शेड्यूल। बट अब बिकॉज अंडरस्टैंडिंग है, ही इज ग्रोइंग, ही वॉन्ट्स टू गो आउट, अब उसको भी घूमने जाना है। अब उसके पापा घूमने गए हैं अपने फ्रेंड्स के साथ काशी, एंड ही ऑल्सो वॉन्ट्स टू ज्वाइन, मुझे क्यों नहीं घूमने लेके गए, एंड दैट इज अ स्ट्रेसर। अब एक नॉर्मल बच्चे की बात करूँ, लाइक माई डॉटर या फिर मेरे देवर के बच्चे हैं, तो दे टेक इट कूल कि पापा चले गए हैं, देन आफ्टर फ्यू आवर्स या फिर दे टेंड टू अपने बिजी जो शेड्यूल होता है डेली रूटीन का, उसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं। बट विद कृष्णा आई सॉ दिस न्यू थिंग कि ही इज सो स्टक ऑन दैट पर्टिकुलर फैक्ट कि मेरे पापा घूमने गए हैं और मुझे नहीं लेकर गए हैं, एंड उसकी वजह से उसको एंग्जाइटी आ गया, मतलब ही इज सो एंक्शियस, और उसको स्ट्रेसर की तरह है ये उसके लिए। अब उसकी वजह से उसका ऑडिटरी इशू आ गया है वापस, और उसकी वजह से मैं उस पर वर्क कर रही हूँ अगेन। अच्छा आप, अच्छा एक बात सुनो, मेरे को एक बात बताओ, आप फ्लश क्यों नहीं करके आ रहे, फ्लश क्यों नहीं करके आते? क्या अच्छा नहीं लगता, कहाँ अच्छा नहीं लगता आपको? हाँ अच्छा, वीडियो नहीं बनाते ले। बताओ आपको अच्छा क्यों नहीं लगता है? कान में आवाज आती है फ्लश करने में, कोई बात नहीं, आ जाओ अपन फ्लश करेंगे, फ्लश करें, मम्मी गाना गाएगी, फिर आवाज नहीं आएगी इयर्स में, करें, आ जाओ शाबाश, स्टैंड अप, स्टैंड अप, आ जाओ फ्लश करेंगे, गिव मी योर हैंड, आ जाओ, स्टैंड अप, जल्दी 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 जल्दी, आ जा खड़ा, आ जाओ, चलो शाबाश, चलो फ्लश करेंगे हम। Jingle bell, jingle bell, very good. So, अब इस तरह से कृष्णव को ऑडिटरी इशू आ गया कि वो फ्लश नहीं करना चाहता है क्योंकि उसको उसकी साउंड से घबराहट हो रही है। तो आई हैव गिवन हिम अल्टरनेट बिहेवियर कि उसको कॉप अप करने के लिए मैंने बोला कि यू सिंग समथिंग। तो अब उससे क्या होगा, दो चीज़ें हुई, सिंगिंग इज समथिंग जो ब्रेन को काम कर रही है, डिस्ट्रैक्शन की तरह काम करेगा, और उसकी नॉइज कैंसिलेशन के लिए मैं हेडफोन्स नहीं दूंगी क्योंकि इतनी सेंसिटिविटी भी नहीं है। बट फ्लश की जो वॉइस है दैट कुड बी कैंसल्ड विद द हेल्प ऑफ सिंगिंग, तो दिस इज द ऑल्टरनेट डिस्ट्रैक्टिंग बिहेवियर। ठीक है, अब ऐसे ही नेक्स्ट डे क्या हुआ, मिक्सी चलाया एंड ही इज अगेन डूइंग मम्मा इसको बंद करो, मम्मा इसको बंद करो, एंड वो इतना दूर था तो भी, तो दिस इज
जो उसको है नॉइस सेंसिटिविटी ऑडिटरी इशू हो रहा है, बट उस केस में जैसे अब कृष्णव के में आई नो कि उसको स्ट्रेसर क्या है, उसके पापा चले गए हैं एंड ही सो फिक्सेटेड अबाउट इट. अब आपके केस में क्या है, बच्चे को कोई भी इशू हो सकता है. आप डिटेक्टिव प्ले कीजिए, पहले आइडेंटिफाई कीजिए कि मेरे बच्चे को वो इशू क्यों हो रहा है, क्या उसकी फिजिकल एक्टिविटीज़ नहीं हो रही हैं, या फिर उसको कोई आउटर स्ट्रेस है, सेंसरी इशू, आउटर इनपुट ऐसा मिल रहा है जिसकी वजह से उसको एंग्जाइटी हो रही है और ये बिहेवियर आ रहा है, तो वो आपको आइडेंटिफाई करना है. जो चीज़ आप कंट्रोल कर सकते हैं आप उसको कंट्रोल करने की कोशिश कीजिए स्ट्रेसर्स को. अगर कंट्रोल नहीं कर सकते हैं तो वर्क ऑन फिजिकल एक्टिविटीज़ एंड डिस्ट्रैक्शंस. डिस्ट्रैक्शंस लाइक आई हैव गिवन कृष्णव सिंगिंग, कि आप कोई भी सॉन्ग सिंग कीजिए, तो उस तरह से आप वर्कआउट कर सकते हैं. एंड दिस इज़ अ टेम्प्रेरी फेज. जब बच्चा उसके यूज टू हो जाएगा और वो थोड़ा सा रिलैक्स और काम डाउन होना शुरू होगा तो ये इशूज़ भी कंट्रोल आ जाएंगे. तो दिस इज़ जस्ट फॉर फ्यू डेज, तो उसमें घबराने की ज़रूरत नहीं है. और डोंट पैनिक योर सेल्फ, अपने आप को पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है. इट विल बी ऑल राइट. सो आई होप दिस इज़ गोइंग टू बी यूजफुल. और इफ़ यू थिंक ऑल वीडियोज आर गिविंग यू सम बेटर आइडिया, तो कीप लाइकिंग, कीप शेयरिंग एंड कीप सब्सक्राइबिंग. थैंक यू सो मच.